So guys, today we are going to unbox Tata Sonata SF Rush Chennai Super Kings Limited Edition Smart Band. And this has cost me around 900 rupees, and you can purchase it from the nearest store to your home. And now we are going to unbox it and take a quick look what's inside. As you can see, this is how it looks, some sort of paperwork. एंड मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं कि जब आप इसे ख़रीदेंगे तो आप किसी डाउट में ना रहें कि ये आपको बैटरी के पूरा चार्ज मिलने वाला है. आपको इसको बैटरी चार्ज करनी होती है. बैटरी कैसे चार्ज करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा. इसको कैसे पेयर किया जाता है, क्योंकि एक ब्लूटूथ स्मार्ट बैंड है तो आपको ये भी पता होना चाहिए पेयर कैसे करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा. तो मैं आपको थोड़े इसके फीचर्स बता देता हूँ. वैसे आप इसके पीछे भी देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ दिखा रखा है. मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा वो थोड़ा इस पर जूम करें. हाँ, तो कैलोरी काउंटर, स्टेप काउंटर, स्लीप ट्रैकर, डिस्टेंस ट्रैकर, वाटर रेजिस्टेंट, अलार्म, ब्लूटूथ, लॉन्ग बैटरी बैकअप एंड वाटर रेजिस्टेंट. हाँ, बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा है. मैंने इसे खुद यूज़ किया है. कम से कम आप ये लगा लो कि चार दिन तो आपकी बैटरी चलने वाली है. और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है. तो आपको कलर वर्जन तो नहीं मिलने वाला है, ये ब्लैक एंड वाइट ही है, लेकिन फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं. जैसे कि ये कैलोरी काउंटर है और काफ़ी एक्यूरेट है ये. हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टेप काउंटर है, और इसको हटा के अगर आप देखें तो आप कितने किलोमीटर आपने रनिंग करी है या जॉगिंग करी है, और आपने कितनी देर तक चले हैं आप. 45 मिनट जैसे ये मेरा अभी दिखा रहा है, और ये 44% मैंने अपने गोल कंप्लीट कर लिया है. ये मैं कितने देर चल रहा हूँ तो उससे मेरा मूड कैसा रह रहा है. इसके आगे देखें तो अभी अलार्म ऑफ है. अलार्म के लिए कोई साउंड नहीं बजती है, लेकिन आपको एक बजिंग फीलिंग होती है, ये वाइब्रेशन करता है. आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये डायलॉग है. यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि क्या अगस्त का महीना है, 27 तारीख है, और अभी 6:27 हो रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी का आपको कोई जो है परसेंटेज नहीं मिलने वाली, पर एक ग्राफिकल बार मिलने वाला. तो अब मैं आपको बता दूँ कि इसको चार्ज कहाँ से किया जाता है. तो जो इसका चार्ज करने का तरीका है, आप ये जान लें कि बड़ा थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको साइन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रैश बिन का साइन होगा. तो आप वो ट्रैश बिन के साइन की तरफ से इसको हटाएं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है, जिससे इसको चालू किया जाता है. इसी तरफ की इसको बैंड की स्ट्रिप को या आप कहीं की स्ट्रैप को हमें निकालना है, और ये काफ़ी टाइट है तो आप इसको निकाल लें. और अब इसको चार्जर में कैसे लगाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में एक Xiaomi का नॉर्मल चार्जर है. आप भी अपना कोई सा भी मोबाइल का चार्जर ले सकते हैं. और अब मैं आपको इसको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ. तो आप नॉर्मली ऐसे इसको डाल सकते हैं, और अब तो आप देख सकते हैं जैसा कि अभी मेरी ऐसी है. लेकिन आपको नई मिलेगी स्मार्ट बैंड तो बिल्कुल चार्ज नहीं होगी. तो आप इसको आराम से 2-3 घंटा चार्ज करने के लिए रख दें, और चार्ज करने के लिए आप सिंपल इस तरह से लगा दें इसे और बस इसे चालू कर दें. तो आप देख सकते हैं कि चार्ज होना चालू हो गई है. आप इसे 2-3 घंटे के लिए ऐसे रख दें. और गाइज, मैं आपको 5 दिन के अंदर मैं इसको अच्छे से यूज़ करके आपको ये बताऊंगा कि इसका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक हो सकता है. और दोस्तों, आप हमें ऐसी सपोर्ट करते रहें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपको जिस भी तरह की टेक्निकल कोई भी ज़रूरत हो, आपको आप कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे. इस चैनल में हम और भी कई तरह की वीडियो डालने वाले हैं, और हर दिन आपको कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा. तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें.